नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अपनो भारत देश विविध धर्मों अने संप्रदायों को माननारो देश छे। भारत देश में विविध जाति धर्मों अने संप्रदायना लोको रहे छे। हवे आपणे आपणा दरेक कार्यनी शुरुआत शानाथी करीए छीए, तो के प्रार्थनाथी। आपणे दरेक कार्यनी शुरुआत प्रार्थनाथी करवा पाछळनुं एक कारण ए छे के आपणुं एवुं मानवुं छे के कोईपण कार्यनी शुरुआत जो प्रार्थनाथी करवामां आवे तो ए कार्य सफल रीते पार पड़े छे। हवे आपणे आजे जे काव्य विशे वात करवानी छे, आपणे जे वात करवाना छे ए काव्य प्रार्थनानुं जे स्वरूप छे एटले ए संबोधन स्वरूपे रजू थयेल छे। काव्यनुं नाम छे हिंद माताने संबोधन। आ काव्यना कवि छे कवि कान। कान ए कविनुं उपनाम छे। उपनाम एटले के कोई लेखक पोतानुं नाम ज्यारे रजू करवा ना मांगतो होय अथवा प्रदर्शित करवा ना मांगतो होय त्यारे पोताना उपनामथी एक काव्य अथवा तो जे ते रचनानुं सर्जन करे छे। अथवा तो अन्य रीते जोईए तो कोई वाचको द्वारा जे विविध रचनाओ वाँचे छे ते वाँचनार लोको कृति अथवा तो रचना छे खूब ज गमी जाय छे। ते समये लेख लोकोने लेखक अथवा कविने कृति गमी जाय छे त्यारे लोको तेने उपनाम आपे छे। तो आ काव्यमां कविनुं मूळ नाम छे मणिशंकर रत्नजी भट्ट। कांतनो जन्म कविनो जन्म अमरेली जिल्लाना लाठी पासेना चावंड गाममां थयो हतो। आ कविए हिंद माताने संबोधन प्रार्थना गीतने संबोधन स्वरूपे रजू कर्युं छे। आ काव्यमां कविए भारत माताना संतानोने परस्पर भळी मळी अने प्रेम साथे रहेવાની વાત કરી છે કે આપણે દરેક વિવિધ ધર્મ જાતિ સંપ્રદાયમાં માનીએ છીએ પણ અંતે તો આપણે દરેક ભારત માના સંતાનો છીએ। તો એક માના સંતાનો તરીકેના ભાવ સાથે આપણે ભળી મળીને રહીએ એવો મુખ્ય ભાવ આ કાવ્યમાં રજૂ થયો છે। હવે એટલે એ સુંદર વિચાર જાણ્યા પછી આપણે દરેકને આ કાવ્ય સાંભળવાની તો ઈચ્છા થાય જ। તો ચાલો આપણે બધા સાથે આ કાવ્યને માણીએ। ओ हिंद देव भूमि संतान सौ तमारा करिए मळी ने वंदन स्वीकार जो हमारा। ओ हिंद देव भूमि संतान सौ तमारा करिए मळी ने वंदन स्वीकार जो हमारा। हिंदू अने मुसलमान विश्वासी पारसी जी देवी समान रीते संतान सौ तमारा। पोषो तमे सबुने शुभ खान पान बक्षी सेवा करे बने दे संतान सौ तमारा। તો જો કેવું સુંદર વિવિધતામાં એકતાનો ભાવ રાખનારું સુંદર કાવ્ય આપણે નિહાળ્યું અને માણ્યું। તો બાળકો તમારે પણ